तो एक बार फिर से देख लेंगे, स्क्रीन पे देखिए सभी लोग। आपके पास रिजल्टेंट की मैं बात करूं, ये तो कुछ एक्स्ट्रा नोट्स हैं। स्केलर और वेक्टर तो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिए हैं। अब बात करते हैं रिजल्टेंट यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात की जाए तो रिजल्टेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रिजल्टेंट। एडिशन ऑफ वेक्टर में जो है अपने पास, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ओनली वेक्टर्स ऑफ द सेम नेचर कैन बी एडेड। हाँ, तो ओनली वेक्टर ऑफ द सेम नेचर कैन बी एडेड, मतलब फोर्स में फोर्स ही ऐड कर सकते हो, लेंथ में लेंथ ही ऐड कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप फोर्स में वेलोसिटी ऐड कर लो। सेकेंड पॉइंट पढ़ो अक्षत। अक्षत स्क्रीन प्रेजेंट नहीं है। ओके, स्क्रीन प्रेजेंट नहीं, एक सेकेंड। सॉरी, माइक म्यूटेड था। ओके, एक मिनट स्क्रीन कर दो प्रेजेंट। चलिए पहला पॉइंट पढ़िए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट पॉइंट, ओनली एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ओनली वेक्टर्स ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड। सेकंड, द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी इज अ रिजल्टेंट वेक्टर आर, वेयर आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा टू द पावर 1/2, एंड टेन बीटा इज इक्वल टू बी sin थीटा अपॉन ए प्लस बी cos बीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड बीटा इज द एंगल व्हिच वेक्टर आर मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। हाँ, बता चुका हूँ ना, ये थर्ड, बनता है ना। यस सर, हाँ, क्योंकि इसमें बीटा, टेन बीटा जो आता है वो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। जो थीटा होता है वो एंगल होता है ए और बी के बीच का। थर्ड पॉइंट, यस सर, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। फोर्थ पॉइंट, वेक्टर इज असो वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर वेक्टर बी होल प्लस वेक्टर वेक्टर, सी। होल वेक्टर बोलते हैं बेटा। वेक्टर होल सर, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस होल वेक्टर बी प्लस सी। नेक्स्ट यस पॉइंट, सर, फिफ्थ पॉइंट, आर इज मैक्सिमम इफ थीटा इज इक्वल टू 0 एंड इज मिनिमम इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ, मतलब कि जो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा उस समय रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, और थीटा 180 होने पर रिजल्टेंट मिनिमम होगा। नेक्स्ट पढ़िए, यस सर, सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ओनली वेक्टर्स ऑफ सेम नेचर कैन बी सब्ट्रैक्टेड। सब्ट्रैक्शन फ्रॉम वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड नेगेटिव वेक्टर बी, दैट इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए प्लस, इक्वल है बेटा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू अच्छा, वेक्टर ए इक्वल प्लस टू, नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, दैट इज इक्वल टू वेक्टर आर, यस वेयर सर, वेक्टर मॉड आर इक्वल टू। वेयर मॉड आर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वन cos एट्टी माइनस 180 हाँ माइनस थीटा एंड टेन बीटा इक्वल टू बी साइन 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड बी इज द एंगल विच वेक्टर आर मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। हाँ, वो बी की जगह बीटा कर लो, एंड बीटा, बीटा यस बीटा सर, इज द एंगल जो कि वेक्टर आर जो है बेस वेक्टर के साथ बनाएगा। वेक्टर बी के साथ। सो एक्चुअली दिस इज बीटा, ये जो है एंगल बीटा आपके पास। ओके, जी सर, नेक्स्ट पढ़िए अगला, एक सेकेंड। वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर इज नॉट कम्यूटेटिव, दैट इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, दैट इज वेक्टर ए माइनस होल वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज नॉट इक्वल टू होल वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो ये हो गया कंप्लीट सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर के बारे में। ये प्रॉपर्टी यस सर, थोड़ी सी याद नहीं रह पाती है, तो इसको नोट कर लीजिए। वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, दैट इज ए होल बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी होल ब्रैकेट सी। यस सर, नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन, पढ़िए। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन, ए वेक्टर ए मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस एंड वेक्टर ए एक्स एंड वेक्टर ए वाई बी द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वो वेक्टर ए ए एक्स होगा वाई बेटा, बी। दैट ए वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर, मतलब वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस प्लस वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, यस दैट मे सर, बी रिटन एज ए का एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, बताया जी था ना। कैप,
यस सर हाँ वी आर ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, सो वेक्टर ए बन जाता है ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ठीक ना। वी आर ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए आई स्क्वायर का अंडर रूट एंड टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स। क्लियर है ये पूरा? जी सर। चलिए नेक्स्ट पढ़िए द डॉट प्रोडक्ट। The dot product of two vectors, vector A and vector B, represented by vector A, vector B is a scalar. A dot B. A dot B is a scalar which is equal to the product of the magnitude of vector A and vector B and the cosine of the smaller angle between them. If theta is the smaller angle between vector A and vector B, then vector A dot vector B is equal to AB cos theta. First, I dot I cap dot I cap equal to 1 equal to J cap equal to K dot K cap equal to 1. I cap dot J cap equal to J cap dot K cap equal to K cap dot I cap equal to 0. Third, if A vector is equal to AX I cap plus AY J cap plus AZ K cap and B vector is equal to BX I cap plus BY J cap plus BZ K cap, then देन ओके तो यदि ये दोनों वेक्टर ऐसे हैं तो इस तरीके से यहाँ पे ये लिखना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पे लिखना मैं भूल गया हूँ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई, नहीं आई कैप क्यों रहेगा, डॉट डॉट वन हो गया ना, ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, याद आ गया? पर ही बनता है ये। ओके नेक्स्ट पढ़ो बेटा द वेक्टर प्रोडक्ट। The vector product or cross product of two vectors, vector A and vector B, is represented by vector A cross vector B. If theta is the smaller angle between vector A and vector B, then vector A cross vector B is equal to C equal to AB sine theta n cap, where n cap is a unit vector perpendicular to the plane containing vector A and vector B. तो जो वेक्टर A cross B होता है वो दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ करता है। अब A cross B कैसे निकालते हैं, पढ़ो राइट हैंड स्क्रू रूल। Right hand screw rule. It states that if a right handed screw placed with its axis perpendicular to the plane containing the two vectors, vector A and vector B, is rotated from the direction of vector A to the direction of vector B through smaller angle, then the sense of the advancement of the tip of screw gives the direction of vector A cross vector B. ठीक है। I cap cross I cap equal to J cap cross J cap equal to K cap cross K cap equal to 0 and I cap dot J cap and I cap J cap and K cap I cap cross J cap equal to K cap J cap cross K cap equal to I cap and K cap cross I cap equal to J cap। हाँ तो एक डायग्राम बना लो ये वाला कि I cap जे कैप और यहाँ पे के कैप, ठीक है ना। तो अगर इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी ये कौन सा हुआ क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप चलोगे तो आई कैप का जे कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो के कैप आएगा, के कैप का आई कैप से करोगे तो जे कैप आएगा और जे का के से करोगे तो आई आएगा। समझ में आ गया? यस सर। और अगर इसका अपोजिट कर दोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना जी सर। अब दो वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट ये लिख लो, इसको खोलना भी सिखा देंगे जब न्यूमेरिकल आएगा, तो कल भी सिखाया था लास्ट क्लास में, अभी एक बार और सिखा देंगे। क्लियर सर? जब आई कैप का कैलकुलेट करना तो आई कैप को छुपा देते हैं, जब हाँ तो जे कैप को छुपा देते हैं फिर के कैप का, और साइन चलता है पहले का प्लस दूसरे का माइनस तीसरे का प्लस 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 माइनस प्लस अल्टरनेट, ठीक है ना। ये सारी शीट हो चुकी है। ओके तो यहां पर ये चैप्टर आपका जो है कंप्लीट हो जाता है। ओके यस सर, ये चैप्टर आपका जो है कंप्लीट हो गया यहाँ पे।